मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा बेला। और मैं मरकर भी सिर्फ आप ही की रहूंगी माहिर जी। फेरे पूरे हुए, अब वर वधू के मांग में सिंदूर भर के उसे मंगल सूत्र पहनाएंगे। विवाह संपन्न हुआ, देवताओं को प्रणाम करिए और अपने से बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद लें। माहिर जी, इससे आगे का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। इस बात की तसल्ली है कि उस सफर में आप मेरे हम सफर हैं। हमेशा हमेशा बिला। हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए। विवाह संपन्न हुआ, उठिए और अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। नागरानी आशीर्वाद देती है, लेती नहीं। बेला, आखिर तुमने कृष्ण के साथ शादी करी ही ली और तुमने माहिर से। वो तो है। अब सवाल ये उठता है कि तुम इस घर से दफा कब होगी, क्योंकि ये मेरे पति का घर है, यानी कि मेरा घर। बिल्कुल नहीं, सवाल ये नहीं उठता। सवाल ये उठता है कि तुम्हें इस घर का कौन सा कोना चाहिए। पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया, भूल गई हो तुम कि ये माहिर का घर है। बकवास नहीं कर रही, एक मिनट। बहू प्लीज लाना। जी भाभी। ये क्या वहां पर लेने गई है? कहीं हंटर तो लेने नहीं गई? भाभी ये क्या है? ये है फरमान, डैड की फाइनल विल, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि पहले ये घर सिर्फ माहिर के नाम था, लेकिन जिस दिन मेरी और माहिर की शादी हुई उसी दिन आधा घर मेरे नाम हो गया। क्या बकवास कर रही हो? चलो देख लो, खुद देख लो। और तब तक तुम ये डिसाइड कर लो नकली रूही, तुम इस घर से अपने आप जाओगी या हम धक्के मार के तुम्हें निकालें। अपनी औकात में रहो। तुमने किसी और के साथ शादी की है? हाँ, तो माहिर ने भी किसी और से शादी कर ली है ना, लेकिन उससे कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि इस घर का आधा हिस्सा बेला शर्मा के नाम है, ना कि माहिर की पत्नी के नाम। So let's do one thing ना, इन लोगों को ना ग्राउंड फ्लोर देते हैं। वो क्या है, ओल्डीज हैं, बूढ़े हैं, और तो सीढ़ियां चलने में तकलीफ होगी ना मासी जी। इनके लिए वही अच्छा होगा हमसे
नीचे रहे अपनी औकात में। औकात तो मैं तेरी। रुकिए, कंट्रोल। मजाक नहीं चल रहा यहाँ पे, कोर्ट कचहरी का मामला है। वहां पे तुम्हारे इस नकली रूही की नहीं, असली पेपर्स की चलेगी। सुनवाई भी असली होगी, सजा भी असली मिलेगी और फांसी भी असली होगी। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। वैसे भी मुझे पैसों का लालच नहीं है, लेकिन तुम लोग देख रहे हो ना कि लड़की जिसे पैसों का लालच है, जो पैसों की भूखी है, ये ऐसी नागरानी तुम्हारी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती, ऐसे सिर्फ बेला हो सकती है, तुम तो ऐसी हो ही नहीं सकती। इसलिए विशाखा, क्योंकि इसे पैसे का और प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी लालच नहीं है, ये अभी इसी वक्त सब कुछ छोड़ के नागलोक वापस जा रही है। अच्छा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जानती, एक बार फिर से तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी, खोटी की खोटी निकली। चलो क्रिश, हम ऊपर अपने कमरे में चलते हैं, जो पहले मेरा और माहिर का कमरा था, लेकिन अब वो हमारा यानी मेरा और तुम्हारा कमरा है। चले। चलो। बहुत ज्यादा उड़ रही है ये। माँ आप शांत हो जाओ, इसे जितना उड़ना है उड़ गए, जितना ही ऊपर उड़ेगी उतना ही तेज नीचे गिरेगी। सही कहा तुमने, बस एक बार ये कृष को नागमणि का पता बता दे, फिर दिखाऊंगी इसे। तुम्हारी मुट्ठी में सिर्फ तुम्हारी बदकिस्मती होगी बहरूपिया नागिन। अब बस तुम देखती जाओ तुम्हारे इस हुजूर और हुक्म के मुखौटे को मैं कैसे उतारती हूँ, तुम दोनों कौन हो, मैं कैसे दुनिया के सामने लाती हूँ, बस तुम देखती जाओ। मिसेज माहिर सहगल। आई मीन माहिर की बेला। मैं आपके बिना नहीं रह सकती माहिर जी। कौन कहता है तुम्हें मेरे बिना रहना पड़ेगा बेला? तुम्हें कभी मेरे बिना नहीं रहना पड़ेगा, मैं कभी तुमसे दूर नहीं हूँगा। पता नहीं जो चल रहा है सब कुछ कैसे चलेगा। Exactly. अब तो ये लोग इसी घर में रह रहे हैं, और एक ना एक दिन इनको हमारा राज पता चल ही जाएगा। नहीं माहिर जी, इससे पहले कि वो हमारे सच तक पहुंचे, हमें उनके सच तक पहुंचना होगा। वो भगवान शिव शंकर की तीन शर्तें हैं जो उन्हें जल्दी पूरा करना होगा, ताकि हम उनका भेद पा सके और उनको खत्म कर सके। पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरुआत करूं, कैसे शुरू करूं। बेला, मैं हूं ना, अभी इतनी सारी कस्में खाई है ना नीचे, निभाऊंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा।
शादी के पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझ पे इतनी लड़कियां मरती है, उतनी लड़कियां मरती है। अब एक लड़की के साथ बंद कमरे में आते ही पसीने छूटने लगे। नहीं, लड़की की बात और होती ना, बीवी के आगे तो सबकी मतलब सबके पसीने छूट जाते। बस बस, अब तुम ये मत कहना कि तुम उन लड़कों में से हो जो बिलीव करते हैं कि शादी का बंधन पवित्र बंधन होता है। Do I really look like that kind of a guy? No. नहीं ना? वैसे तुम अपनी बीवी के लिए क्या तोहफा लेकर आए हो? मजा? तुम मेरा एक काम करोगे? क्या? मतलब पहले पास आओ। और पास आओ। मेरे नहीं, उस बेला के पास जाओ। मतलब कि ये जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, बेला को पागल कर दो। कभी क्रिश तो कभी माहिर बनके उसके सामने जाओ। उसके मन में इतनी गलत फहमी पैदा करो कि उसे लगे कि तुम उसके साथ धोखा कर रहे हो। प्यार में धोखा, शादी में धोखा, उसके पति होकर मेरे करीब आ रहे हो, ऐसा एहसास दिलाओ उसे। और उसे ऐसे सता के नागमणि की इंफॉर्मेशन ले लो। और बहुत कुछ करना है, ये देना है, रोज एक बूंद उसके खाने और पीने में मिलाकर देना है। क्या ये? बताती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, अभी तो रात जवान है, अभी तो सुहागरात बाकी है ना? आपको हुकुम ने बुलाया है। चलो मैं आती हूं। कौन? एक सेकंड रुको, मैं देखता हूं। जूही, तुम्हारी भी तो स्वागरात है, तो तुम मेरी स्वागरात में क्या करी? जीजू हटिए, तुम्हें तो वहां होना चाहिए। दी, वो हुजूर कहीं चली गई है, कोई उसका साथ ही आया था, कोई नकाबपोश, पता नहीं वही उसे कहीं तो ले गया है। फौरन उसके पीछे जाना चाहिए। हाँ चलो चलो, तुम नहीं जूही, ये लोग बहुत चालाक है, कहीं पीछे से क्रिश को ढूंढने आए और वो इन्हें यहाँ नहीं मिला तो इनको शक हो जाएगा, इसलिए तुम यही रुको। दी एक मिनट, एक और चीज कहनी थी। दी, उस बैरूपिया ने मुझे ये दवाई दी है, कहा माहिर बन के आपको रोज पिलाती हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है। किस चीज की दवाई? हम ये सब बाद में देखेंगे, पहले हमें उनके पीछे चलना चाहिए, पता लगाना है कि वो आखिर गए कहाँ। हम आते हैं। ये दवाई लेकर मैं जल्दी से हुजूर के कमरे में चली जाती हूँ, वरना यहाँ मुझे कोई देख ना ले। चलो बेला जल्दी बैठो, मेरी रफ्तार इस गाड़ी से ज्यादा है माहिर जी। तो वैसे भी बहुत खूबसूरत लगती हो। वैसे बर्बाद करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ऑलराइट, आफ्टर यू मैम। जरूर लगाती, लेकिन मैं आपको हारते हुए नहीं देख सकती।
Whoa, I like the confidence. वैसे नॉर्मली कपल अलग तरीके से स्वागत मनाता है. क्यों? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, I like this. Video game type. Woo. भाई जी वो देखिए. क्या? गई कहाँ? कहाँ चली गई रूही? रूही? अच्छा जी, अकेले में हुजूर रूही बन गई. देखो तुम ना ज्यादा चबर चबर मत करो, जितना मैं पूछ रही हूँ बस उसी का जवाब दो. गई कहाँ ये? अरे मुझे क्या पता कहाँ गई, मुझे थोड़ा ना पता की गई, पर जितना पता था मैंने उतना बता दिया. वैसे हुकुम के आदमी आए थे नकाब में, उन्हीं के साथ गई है तुम्हारी हुजूर. युवराज छोड़ मेरी माँ, मैं देखता हूँ. अच्छा है वो कुछ देर के लिए चली तो गई, कम से कम अपने रूप में मैं चैन की सांस तो ले लूं. पर ये क्या देखे गई है वो, कुछ ठीक से बताया भी नहीं. ऑफ कोर्स क्रिश तो रूम में ही होगा ना, उसे पता होगा हुजूर कहाँ गई है, उसी से पूछ लेता हूँ. कोई देख लेना. गाड़ी इतनी दूर क्यों पार्क करवाई तुमने? अरे ऑब्वियसली ताकि वो हमें देख ना ले, अगर वो देख लेगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना. एक मिनट. अजनबी नहीं, इजाजत नहीं. अदहल ये जिंदा गुफा है. ये क्या होता है? ऐसी गुफाएं अपनी रखवाली खुद करती हैं और बहुत ज्यादा जानलेवा होती हैं. इनके अंदर कोई नहीं जा सकता, इस रूप में तो बिल्कुल भी नहीं. तो कैसे होगा? क्रिश, व्हाट द हेल, ये खांसने की आवाज तो यहीं से आई थी, तो गया कहाँ? क्रिश, वेयर आर यू डूड? हाँ, अगर मेरे साथ आग में चोली खेल रहा है तो बहुत महंगा पड़ेगा. ये जो ही है बेला की बहन, इसको क्रिश ने पैसे दिए थे क्रिश बन के बेला से शादी करने के लिए. लगता है नहीं यहां पे वो. देखो बेला, तुम जो मुझसे करने के लिए कह रहे हो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा. इसमें और कोई रास्ता नहीं, मैंने आपसे अभी कहा ये जिंदा गुफाएं हैं, इनके अंदर जाना नामुमकिन है, और एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं.
इसलिए मुझे ही जाना होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे अकेले जाना होगा। बेला मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, मैं तुम्हें इसके अंदर नहीं जाने दूंगा। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? समझने की कोशिश नहीं कर रही हो बेला? कितने टाइम के बाद तुम मुझे वापस मिले हो? कैसे कैसे तो मैंने तुमको वापस पाया, कितने पापड़ बेले तुम्हें पता है? तुम्हारे साथ साथते रह लिए मैंने, इतने सारी कस्में खाई है, मैं नहीं तोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारी जान पे रिस्क नहीं ले सकता। मैं आपका डर समझती हूँ माहिर जी, लेकिन उस वक्त आप भी वहीं थे ना जब भगवान भोलेनाथ ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था। इस मिशन के लिए उन्होंने खुद मुझे चुना है। वो ये चाहते हैं कि मैं इन सबका पर्दाफाश करूं। हुजूर हुकुम ये कौन है और हमारी जिंदगी में जहर घोलने आए? इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे अकेले ही इस गुफा के अंदर जाना होगा। और तुम्हें कैसे पता कि वो आज ही होगा? होगा, मेरा दिल कहता है और मेरे दिल का कहा कभी झूठ नहीं होता। तुम्हारी इंस्टिंक्ट, तुम्हारे दिल का कहा तब क्यों नहीं काम किया? जब मैं क्रिश बन के सामने आया तब तुम मुझे क्यों नहीं पहचान गई? माहिर जी, तब मुझे दीवार में चिनवाया जा रहा था, मेरी हालत। चुप। मत बोला करो ये सब कुछ, तुम्हें पता है ना मेरा दिल बैठ जाता है। आज ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका प्यार और भोलेनाथ का आशीर्वाद है मेरे साथ। प्लीज, अब मैं जाऊं अंदर? अरे पर कैसे जाओगी, तुमने ही तो कहा ऐसे नहीं जा सकते। एग्जैक्टली, चल के तो बिल्कुल नहीं जा सकते। तो फिर तितली, हुकुम कोई परेशानी? कितना वक्त लगाओगी? अभी तक उस बोतल की दवा उस बेला को क्यों नहीं दी? मैंने क्रिश को वो बोतल दे दी है और मैंने ये भी कहा है कि वो बेला के करीब जाए धीरे धीरे। धीरे धीरे कितना वक्त है तुम्हारे पास? जल्दी से उस बोतल की दवा उस बेला को दो, तभी तो वो अपना जादू उस पर दिखाएगी। हमारे चाल के मुताबिक मैंने आज ही क्रिश से शादी की है ताकि बेला के सामने मैं उस माहिर को इस्तेमाल कर सकूं। मुझे नहीं सुनना तुमने अब तक क्या किया है, बस मेरी सुनो। जल्दी से उस बोतल की दवा उस बेला को दो ताकि वो अपना रूप बार बार बदलना बंद करे और मैं जब चाहूं उसे कहीं भी देख सकूं। हुकुम, हमें सावधान रहना होगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि उस बेला को शिव शंभू का वरदान मिला है। सुमित्रा ने उन्हें आपस में बात करते हुए सुना था और ये भी कि हमारा भेद जानने के लिए उसे कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। तीन शर्तें पूरी करनी होगी उसे। कैसी शर्त? पहली शर्त, उसे इस गुफा में दाखिल होना होगा, ये है उसकी पहली शर्त। और ये गुफा देख रही हो, ये गुफा कोई आम गुफा नहीं है, जिंदा गुफा है ये। यहाँ जिंदा मुर्दा बनते वक्त देर नहीं लगती। इस गुफा में मेरी इजाजत के बगैर कोई परिंदा तो क्या, मक्खी तक नहीं आ सकती। तो फिर वो नागिन क्या चीज है? और दूसरी शर्त उसे पूरी करना तो नामुमकिन ही है, उसे हुकुम का चेहरा देखना होगा। जिस चेहरे को सदियों तक आईनों तक ने नहीं देखा, उसे वो कैसे देख पाएगी? देखो गौर से, कोई आईना दिख रहा है यहां? है कोई शीशा? नहीं। इसीलिए उस नागिन का इस गुफा में दाखिल होना नामुमकिन है। बहुत देर हो गई है यार इसको गए हुए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे जाने नहीं देना चाहिए, मैं ही पागल हूं। सुनती भी तो नहीं है ना यार। साला हो क्या रहा है?
वो लड़की वो बेला की बहन जूही, वो हुजूर के कमरे में क्या कर रही थी? मुझसे क्यों चुप रही थी? वो कृष बन के तो नहीं आई? पर बेला से शादी किसने की? बेला से शादी तो कृष ने। नहीं 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 नो नो, कृष के साथ तो हमारी डील है, वो ऐसा क्यों करेगा? ना ना, वेट अ सेकंड, ओ शिट, कहीं ये बेला की चाल तो नहीं? डैम इट, बेला, व्हाट द हेल, यहाँ तो कोई नहीं, वो बेला कहाँ है और वो आदमी जिससे उसने शादी की है? माहिर जी आप क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? माहिर जी प्लीज मत कीजिए, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज माहिर जी। देखिए आपने पहले अपनी मनमानी कर ली है उस बहरूपिया लड़की से शादी करके, अब आप अपनी और मर्जी नहीं कर सकते, छोड़िए मुझे। एक बात बताओ, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? क्या बदतमीजी है ये? माहिर बाहर आओ, कुछ बात करनी। और बेला, ये अब तुम्हारा पति नहीं है, समझी? जस्ट शट अप, ओके? चलो। व्हाट हैपेंड? चल क्या रहा है? अरे मैं वही कर रहा हूँ जो हुजूर ने कहा है मुझे करने के लिए। अच्छा, बेला के साथ नहाने के लिए बोला उसने? यस। लकी यू। बस करो, वही कर रहा हूँ जो प्लान का हिस्सा है। मुझे उसको इस हद तक कंफ्यूज कर देना है कि वो अपने सारे पत्ते मेरे सामने खोल दे। बस पत्ते ही? I'm again saying, बस करो, मैं वही कर रहा हूँ जो हुजूर ने मुझे करने के लिए कहा है। बेला की बहन के बारे में भी? उस लड़की को मैंने अभी हुजूर के कमरे में देखा है, वो वहां क्या कर रही थी? ओह शिट, ये लड़कियों में दिमाग नहीं होता। मैंने उससे मना किया था, मैंने कहा था सिर्फ तभी सामने आना जब बेला हुजूर के कमरे में जाने लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता बेला हुजूर के कमरे में जाए, क्योंकि लड़की बहुत चलाक है, मुझे कभी भी चकमा दे सकती है, और चकमा देके हुजूर के कमरे में तलाशी लेने जा सकती है। लेकिन वो एक मिनट, और तुम्हें ऐसा लगता है कि जूही के रोकने से बेला रुक जाएगी? व्हाट एन इडियट यू आर मैन। अरे बेला बहन है उसकी, वो उसका साथ देगी, रोकेगी नहीं उसे। साथ देगी ठीक उसी तरह जिस तरीके से गिद्धों के सामने दिया था। जिस लड़की ने अपनी बहन को मरने के लिए गिद्धों के सामने छोड़ दिया था, नागरानी बनने की ख्वाहिश में, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये गिद्ध वाला इंसिडेंट तुम्हें कैसे पता? यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझे लड़कियों के बारे में ना सब कुछ पता होता है, और उसके बाद भी कोई शक है ना तो जाके उससे पूछ लो, वो बता देगी तुम्हें। अब मैं जाऊं, एक्चुअली मेरी आदत नहीं है, मैं लड़कियों को ज्यादा देर तक ना बाथटब में वेट नहीं कराता, और वैसे भी अगर बेला ने मुझे दुश्मन पार्टी के साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनट, कहोगे क्या उससे? उसके लिए मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उसका इस्तेमाल करूंगा जिसका इस्तेमाल तुम नहीं करते। क्या कहा आपने उससे? वही जो हमने डिसाइड किया था। ए, इतनी खूबसूरत क्यों लग रहे हो आज? क्या बात है? बेला, तुम हमेशा मेरी बातों में आ जाती हो। मैं मजाक के में नहीं। मजाक के मूड में तो मैं भी नहीं हूं। अच्छा बता, जूही को तुम पर कोई शक तो नहीं हुआ ना? उसे तुम्हारी बातों पे यकीन हुआ? यकीन का पता नहीं, लेकिन शक तो डेफिनेटली। वो बेचारा कंफ्यूज हो गया होगा कि कौन माहिर है कौन क्रिश है, उसे कुछ नहीं पता चला होगा। यही तो हम चाहते थे, अब बस बेला के सर पे कोई मुसीबत ना है, है ना? चले। ये गुफा मेरी वफादार है, और बगैर मेरी इजाजत के कोई भी यहाँ नहीं आ सकता।
हुकुम, तुमने तो कहा था कि इजाजत के बिना यहाँ एक मक्खी भी नहीं आ सकती। क्या हुआ हुकुम? रानी को देख के हुकुम की चाल फीकी पड़ गई? अब तो वाकई में मुंह छुपाना पड़ेगा, क्योंकि मुंह की जो खाओगे तुम। मुझे पहले ही पता था ये तितली वही है, मुझे आभास हो चुका था। मैंने पहले ही बोला था कि इसे वो दवाई दे दो, लेकिन ये यहाँ जिंदा आ तो गई है, लेकिन यहाँ से मर कर ही बाहर निकलेगी। सोच के बोलो, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम ये दावा कर रहे थे कि तुम्हारी इस गुफा में कोई नहीं आ सकता। देखो मैं आ गई, तोड़ दिया मैंने तुम्हारा पहरा, और पूरी की पहली शर्त, दूसरी शर्त भी पूरी करूंगी और तुम्हारा चेहरा देखूंगी। क्यों, चेहरा देखकर वो करवा चौथ का व्रत तोड़ोगी? वो बच्चे क्या कहते हैं, तितली उड़ी सिर पर चढ़ी। ये तितली उड़ तो गई है और इसके दिमाग में भी चढ़ गई है। खैर कोई नहीं, सबसे पहले इसके दिमाग का ही इलाज करते हैं। खबरदार बेला, पिछली बार कोशिश की थी, नतीजा नहीं देखा था। अपनी गलती से सुधर नहीं रही हो तुम? नहीं, क्योंकि तुम भी नहीं सुधर रहे। तुम लोगों को पता है कि नागमणि तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हाथ फैला के भिखारियों की तरह नागमणि के पीछे पड़े हो। चुप करो, नागमणि नागरानी की होती है और नागरानी मैं हूं। लगा लो अपनी पूरी शक्ति नागरानी, लेकिन मेरा चेहरा कभी भी नहीं देख पाओगी। दूसरी शर्त तुम्हारी कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। जरूर होगी, अभी के अभी मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगी। कैसे, यहाँ कोई आईना है तो इस खूबसूरत चेहरे को देखोगी कैसे तुम? अभी बताती हूँ। तुम्हारी बारी है हुकुम। दिखाने के लिए आईने की जरूरत नहीं होती, यही है ना तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा अक्स। अब मैंने अपनी दूसरी शर्त भी पूरी कर ली तुम्हारा चेहरा देखकर, और बहुत जल्द मैं अपनी तीसरी शर्त भी पूरी करूंगी। नहीं, अपनी तीसरी शर्त कभी पूरी नहीं कर पाओगी। और वेट नहीं हो रहा मुझे, कुछ मुझे अंदर जाना होगा। मैं क्या करूं, मैं कैसे अंदर जाऊं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। 100% बेला किसी मुसीबत में, कुछ गड़बड़ है।
समझ नहीं आ रहा, मेरी गलती है, मुझे उसको जाने नहीं देना चाहिए। क्यों जाने दिया मैंने उसको? बेला, पहले क्यों नहीं सोचा मैंने इसे? कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, कोई आवाज भी नहीं आ रही है अंदर से। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? बेला कहां हो यार? अरे कोई है? इसका मतलब ये आग से जल रहा है। आग? मुझे तुम्हें बचाने से कोई नहीं रोक सकता बिला। मुझे कोई नहीं रोक सकता बिला, मैं तुम्हें बचा के ही रहूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बिला। मेरे प्यार को इस बार मुझसे कोई नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं। भोलेनाथ, मेरी मदद करो, मैं इस आग से कैसे बचूं? कोई है? प्लीज, ये आग बढ़ती जा रही है, कोई है? बेला, आहिर जी, आप गुफा के अंदर कैसे? वो सब छोड़ो बेला। आहिर जी, प्लीज आगे मत बढ़िए। ये आग जला देगी आपको। कौन सी आग? बहुत खतरनाक आग है भाई जी, ये लोग बहुत खतरनाक है, बहुत ताकतवर है। कौन सी आग की बात कर रही हो? इन्होंने ये आग लगा दी है, ये बढ़ती ही जा रही है, मैं जल रही हूँ भाई जी। बेला, तुम्हें ऐसा लग रहा है आग पे कोई आग नहीं है, रिलैक्स। आपको ये आग नजर नहीं आ रही? नहीं, इसका मतलब ये जादुई आग, ये तिलिस्मी आग है भाई जी, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। बेला यकीन कीजिए, यहाँ चारों तरफ आग है, आप आएंगे तो जल जाएंगे भाई जी, प्लीज आगे मत। बेला, यहाँ आग नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आग है? आपको मेरी कसम। Do you trust me? तुम्हें मुझ पे विश्वास है कि नहीं? तुम्हें मुझ पे विश्वास है कि नहीं? विश्वास है माहिर जी। तो कसम उतारो। मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ माहिर जी, लेकिन आप बस मत आइएगा। मैंने आपसे कहा था ना मदर मत आइए, अब ठीक तो है ना माहिर जी? माहिर जी, आप बहुत खतरनाक है। बेला, मुझे महसूस हो रही है लेकिन देख नहीं पा रहा, पता नहीं हो क्या रहा। भाई जी, मैं तुम मुझ पर विश्वास करती होगी? सांस नहीं यार। गहरी सांस लो, मुझे पकड़ो, होल्ड मी बेला, ताकत इकट्ठी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। कम ऑन बेला, बेला 1 2 3 माहिर जी, क्या कर रही थी? क्या ये? पागल हो तुम? What is this? आपको हीरोइन समझती हो कहीं की? अरे कुछ भी करते रहती हो, किसी भी मुसीबत में खुद ही घुस जाती हो, उसके बाद मुझे बोलती हो साइड रहने के लिए। मैं कोई साइड की को तुम्हारी? अब कुछ भी बोल रहे हैं माहिर जी। बेला, मैं तुमको बचाने के लिए आता हूँ तो तुम पता मुझे क्या बोलती हो? तुम्हें मेरी कसम है अंदर मत आना। अरे कसमें कौन देता है यार, अरे जान नहीं बचाऊंगा तुम्हारी, हो गई ना बोलती बंद। असिस्टेंट हूँ मैं तुम्हारा, जो तुम कहोगी वो करता रहूंगा। नहीं कर सकता मैडम जी, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट मेरे पास अपना दिमाग है, तभी मुझे दिखाई देता है असली और नकली आग में फर्क, जो आपको दिखाई नहीं देता। क्या हो गया? बोलती बंद हो गई ना, इसीलिए मैं क्रिश बन के ही रहूंगा। क्रिश अच्छा है, कूल है, मुंह फट है, अपनी बातें खुल के बोल तो पाता है, भाई तो कुछ बोल ही नहीं पाता। लड़कियां मरती है क्रिश पे, वो तो है। उसको लड़कियों के पास जाने में ना परेशानी नहीं होती, स्पेशली खूबसूरत लड़कियों के पास जाने में। आहिर जी,
क्रिश, KRISH. I love to be क्रिश. बेला, बेला क्या हुआ? तुम ठीक तो? अरे, मैं तो मजाक कर रहा था. बेला, मुझे कुछ कहना था आपसे. हाँ बोलो ना. तुम कुछ भी बोलो, मैंने तुम्हें कभी मना किया कुछ कहने के लिए? तुम बस ये बता दो, तुम ठीक तो हो ना? निकल गई सारी क्रिशगिरी आपकी. हाँ, मैं तो क्रिश हूँ, मैं तो बहुत कूल हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ. माहिर जी, आप कुछ भी कर लीजिए, आप बेला के माहिर रहिए, जो बेला की आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता और बेला की केयर किए बिना रह ही नहीं सकता. समझे मिस्टर माहिर सहगल? हाँ तो हूँ माहिर. I love you. I love you too.